बटर काम करके भी आओ। अभी हम जा रहे हैं बाड़ीधार, तो बाड़ीधार यहाँ पे है और ये कुछ दोस्त हमारे साथ जा रहे हैं और एक ही गपिया है। गपिया ये है, काले ट्रैक सूट वाला है, ये है गपिया। तो भाई मेरे तो सांस चढ़ गए हैं और ये चले हैं लगातार। देखिए कितनी हाइट पे आ गए हम और ये गांव देखिए, अब गांव बहुत नीचे है। तो अभी मैं काफ़ी हाइट पे आ गए हम लोग और मेरे तो हाल मारे हो गए हैं और ये लोग दौड़ रहे हैं आगे आगे। मैं बताता हूँ, देखो इनको भी, ये देखो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है इनके चेहरे से कि इनके थकावट हुई है। मुझे बहुत थकावट हो रही है, दिखाता हूँ मैं इनको भी। देखिए बिल्कुल आराम से चल रहे हैं भाई, मुझे दुनिया आदत नहीं थी तो अब मैं थक रहा हूँ और ये चले हैं फट। ओए एक बात सुनाऊ मैं, एक बार पंजाब तो आया ना बंदे मारे करो, ठीक है, तीनों घुमाने लिए आया से इतो। हाँ भाई, जब उन्होंने सरियांज क्रॉस की रही ना, पता क्या बोलूँ, ड्राइवर बोले यार हम तो बहुत हाइट पे आ गए भाई, अब बोल कितना और हाइट पे जाना है। बोले आ रहा है जितने आए तो हाइट आए नहीं है। फिर मैं बोले ना, है ना, मैं बोला भाई आपको डर लग रहा है तो गाड़ी मैं चलाता हूँ, है ना ना ना, ना गाड़ी तो लोगों की है भाई, ये भी नहीं दे सकता मैं। आई गा से या करी ने ना, और इतनी जुबड़ा के इतनी खड़ी गा से, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता भाई। अच्छा। खड़ी को मैं ले भी तो मैं एक मोड़ रहा ऊपर खाओ। अच्छा। हाँ इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता भाई। और मैं ले तो फिर नहीं क्या बोलूँ, इतने डरी ये पंजाब तीनों हाथ लगने यार प्लेन एरिए हम जी है। हाँ हाँ से आए थे भाई, ये आए थे हमारे साथ एक बार यहाँ पे लोग घूमने, तो इस जगह पे जो है उन्होंने गाड़ी लगा दी थी और इससे आगे वो चढ़े ही नहीं, बोल रहे थे काफ़ी हाइट पे आ गए हैं हमें डर लग रहा है। तो भाई डर तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि हम पहाड़ी आदमी हैं। तो अभी देखो बैक कैमरे से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए देवदार के पेड़ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और कितनी ठंडी ठंडी हवा है। देखो सूँ की आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को भी, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, है ना, वाह। और ये जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक ये देवदार ही है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देवदार पौधे, वाह है ना जक्कास। ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पे रोड जो है वो पक्का आ गया है, मतलब ना अभी कुछ ही साल हुए इसको पक्के हुए को, पहले यहाँ पे कच्चा रोड हुआ करता था। और ये स्कूल है जो मैंने दो दिन पहले बताया था वीडियो में, यहाँ पे है वो स्कूल जहाँ पे हरी हरी ये चादर जैसी दिखाई दे रही है। देखो मुझे पत्थर मारा जा रहा है कि दौड़ दौड़ दौड़, अब इनकी थोड़ी ना दौड़ सकता मैं भाई, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। हम पहुँच गए हैं बाड़ीधार, ये देखिए, हाँ, और ये है चंदा मामा, यहाँ पे आ गए हैं चंदा मामा भी अपने दर्शन दे रहे हैं। कई कई चाय रही दुकान, ये किसकी है, जयचंद की है, अच्छा। ये हर टाइम खुली रहती है कि कभी कभी, कभी कभी तो क्या फायदा हुआ थी लोग आने और दिक्कत होनी। ये देखिए यहाँ पे पिछले नहीं नहीं आया था मैं, आया था वो डिलीट हो गई थी मुझसे वीडियो। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो ये अभी चल रहा था और अभी ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा डंगा यहाँ पे लगा है और अब हम पहुँच गए हैं बाड़ीधार। ये है मेन गेट यहाँ का और यहाँ से आगे जो है गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, वैसे हम तो पैदल ही आए हैं पर गाड़ी नहीं ले जा सकते यहाँ से आगे।
देखिए ये सराय है यहाँ पे, मतलब ठहरने के लिए व्यवस्था कर रखी है लोगों को। और यहाँ पे है मेन मंदिर जो है बाड़देव का। बाड़देव मतलब पांच पांडव, जो मतलब महाभारत में पांच पांडव होते थे, युधिष्ठिर जी यहाँ पे विराजमान है, और भोलेनाथ जी भी यहाँ पे ऊपर जैसे मंदिर है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी वैसे शाम के बजे हैं 6:30 और काफ़ी अंधेरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है वैसे, अंधेरा होने वाला है। तो जंगल में देखिए आप, जंगल में अंधेरा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे घने बान के पेड़ और जो देवदार के पेड़ हैं वो है। और ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा, और बहुत मज़े आ जाते हैं यहाँ पे भाई। क्या ठंडी हवा, शांत, हर एक जगह से शांत है, शांत जगह बिल्कुल। चलिए अभी मंदिर जा जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, फिर करते हैं बात आप लोगों से। ये देखिए बाड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पे है विराजमान, बाड़ादेव। और बहुत मान्यता है इस जगह की, जो है बहुत मान्यता है। और नया ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चला है, काफ़ी बड़ा मंदिर बनेगा यहाँ पे। ये बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे रहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हर कोई नहीं टिक पाता है, जो तपस्वी होते हैं वही यहाँ पे जो है वो रह पाते हैं इस जगह पे। और एक ही टावर है, अच्छा लाइटें लगेगी इस पे है ना। तो यहाँ के सुंदर नज़ारे आप भी लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। पर शाम का टाइम है अभी, अगर दिन होता तो कुछ बात और होती। हाँ हाँ आप भी आ गए हैं जी, आ रहा है आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटा मंदिर बना रखा है ना भाई जी, ये किस चीज़ का है? पढ़ महाराज है, पांच मंडल का है। हाँ पढ़ बोलते पढ़, हाँ जी अच्छा पढ़ महाराज का। और यहाँ पे है मेन बाड़देव का मंदिर, और ये है पहाड़ देवता का। पहाड़ क्या मतलब, पहाड़ और क्या पहाड़ को जो है ना, पहाड़ मतलब जहाँ पे विश्राम करने बैठे होते हैं है ना, विश्राम करने बैठे होंगे ना भगवान जी है ना, वहाँ पे हर एक जगह पे जो है वो ढोल नगाड़े के साथ जो है ना, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे खड़े होते हैं काफ़ी देर, काफ़ी टाइम जो है ढोल नगाड़े बजते हैं ना जी। यहाँ से जो है वो पौड़ियाँ हैं, ये देखिए। तो यहाँ से जो है वो बूढ़ा देवी के मंदिर के पास हम जाएंगे, और भोले शंकर जी के मंदिर। ये देखिए ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। और तो ये देखिए अब हम चल रहे हैं बूढ़ादेव के मंदिर में, और ये बूढ़ादेव का मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि भीम ने जो है बूढ़ादेव को थप्पड़ मारा था और उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। तो ये देखिए ये बूढ़ादेव माता का, ये देखिए आप मूर्ति है, तो इनका चेहरा जो है वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। और ये माना नहीं जाता है प्रत्यक्ष
क्योंकि यहाँ पे मूर्ति भी हमारे को देखने को मिल रही है, तो इनकी जो है वो टेढ़ी गर्दन हो गई थी। यहाँ पे ये है शिव मंदिर बाड़ीधार का, और यहाँ पे अभी कुछ ही साल पहले जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है। कितने साल हुए इस मंदिर को बने हुए? 2 ढाई साल। तो बहुत अच्छा मंदिर बना है, ये शिव परिवार है। ज्योतिर्लिंग है ये 16 जितनी भी ये, 11 ज्योतिर्लिंग है ये, अच्छा 11। हाँ जी, 11 है। उज्जैन में महाकाल, महाकाल उज्जैन में है उज्जैन सर? का अलग अलग कह रहे हैं हर जगह, अच्छा सारे ज्योतिर्लिंग किए नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे तो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखिए शिव परिवार की मूर्ति की, हाँ शिव परिवार ही। नहीं नहीं लाइट इतनी बड़ी जो यहाँ पे जैसे भीड़ गठोच गच बैरा कहाँ कहाँ है वो? यहीं साथ में ही है। थोड़ा नीचे जाके है, गुफा है हाँ वहाँ पे, अच्छा और नीचे तरफ 5 मंडप का मंदिर है, ऊपर साइड गुफा है। अच्छा गुफा, यहाँ गुफा है वहाँ पे? हाँ गुफा है, अच्छा गुफा के अंदर उनका स्थान है, वहीं पे वो रहते हैं, सिर्फ अच्छा पानी में। लोहे की चैने डली है वहाँ पे, है हाँ ना? बिल्कुल अच्छा हाँ सुना है हमने। बिल्कुल, तो वहाँ पहले जब मतलब यहाँ पे मेला होता है उससे पहले वाले दिन जो है वहाँ उसी पे रात के दिन उसको निमंत्रण आवाज दिया आएंगे, जाता है। अच्छा उनको निमंत्रण दिया जाएगा, उसके बाद वो दूसरी रात को आएंगे कुछ और पलों के लिए, कुछ क्षण के लिए, अच्छा थोड़ी देर के वो लिए। जो चेने उनको आदमी खोलेगा नहीं या नहीं 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 वो देवता खुद खोलेंगे, हाँ भी महाराज खोलेंगे और वही बंद करेंगे। मतलब और किसी के बस की नहीं बात नहीं नहीं है वो ना? किसी के बस की बात नहीं, वो देवता वहाँ जाते मतलब ऐसे भी नहीं जाते, नहीं दिन नहीं को भी कोई नहीं नहीं जाते? जाता वहाँ पे, कोई जा नहीं सकता वहाँ। अच्छा अगर कहीं चले गए भाई देवी तो नहीं वो नहीं फिर जिंदा नहीं आएगा ना? ऐसा भी कुछ नहीं है, पर वहाँ पे कोई जाता नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है, वहाँ पे मतलब ही नहीं किसी का जाने का, वो आउट ऑफ एरिया है थोड़ा, वहाँ पे अच्छा कोई जाएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं। जहाँ के लोग, वहाँ के लोगों को पता है तो कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, अगर जाएंगे जाएंगे नहीं, पर वहाँ के जाते ही लोग नहीं भी है ना? हैं, लोग वो तो उनको तो पता है कि कौन सा देवता है क्या है, तो नेचुरली जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, आपसे ये इतनी जानकारी मिली ये काफ़ी है।